नमस्कार, संगीता गुप्ता के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गोलगप्पे बनाने जा रही हूँ जो तीन चीजों से ही बनाया जाता है। हलवाई कहता है आटे का है, आटे का नहीं होता, वो सूजी का ही गोलगप्पा होता है, इसलिए इतना क्रिस्पी होता है और अच्छा लगता है खाने में। चलिए अब चलते हैं बनाने। तीन चीजों से मैं गोलगप्पे बनाने जा रही हूँ। 1 कप सूजी है, 2 टेबल स्पून मैदा है, 1 कप पानी है, और ये ऑयल गरम ऑयल लिया मैंने तलने के लिए। तो चलिए अब हम पहले सूजी ले लेते हैं, फिर हम मैदा ले लेते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसको हम चम्मच के हेल्प से गूंदेंगे क्योंकि पानी गर्म है। अब देख लीजिए ट्राई हाथ से कि अगर ठंडा हो गया हो तभी हाथ लगाइए। अब थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी 10 मिनट के बाद इसको हम दोबारा करेंगे। अगर भूनने में वे गीला हो जाए थोड़ा सा, तो आप और थोड़ा सा मैदा ले सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं मैदा। अब मैदा हम इसको अच्छे से सान देते हैं। थोड़ा सा ही मैदा लगा है मेरा। अब 10 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे। देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है। रोटी से थोड़ा सा टाइट आटा चाहिए मुझे, ये देखिए। तो चलिए अब हम पहले सूजी ले लेते हैं, फिर हम मैदा ले लेते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और इसको हम चम्मच के हेल्प से गूंदेंगे क्योंकि पानी गर्म है। अब देख लीजिए ट्राई हाथ से कि अगर ठंडा हो गया हो तभी हाथ लगाइए। अब थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी 10 मिनट के बाद इसको हम दोबारा करेंगे। अगर भूनने में वे गीला हो जाए थोड़ा सा, तो आप और थोड़ा सा मैदा ले सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं मैदा। अब मैदा हम इसको अच्छे से सान देते हैं। थोड़ा सा ही मैदा लगा है मेरा। अब 10 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे। देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है। रोटी से थोड़ा सा टाइट आटा चाहिए मुझे, ये देखिए। अब इसकी हम लोइयां काटने जा रहे हैं। 45 गोलगप्पा बनेगा, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। आपको जितना बड़ा बनाना हो, छोटा बड़ा, उस हिसाब से लोई काटिएगा। मैं इतना बड़ा बड़ा काट रही हूं। ये देखिए बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम गोलगप्पा बेलना शुरू करते हैं। ये हमारे पास बोरी है, चावल के आटे की है। इस ये रफली होती है बिल्कुल, इसमें बेल के अच्छा होता है बना के रखने में। एक ही साइड को बेलिएगा, पलट के नहीं बेलिएगा। ना बहुत मोटा हो ना बहुत पतला हो, इसी हिसाब में बेलिएगा इतना बड़ा बड़ा साइज, और ऐसे ही रखते जाइएगा।
जिस टाइप से आप रखेंगे उसी टाइप से ही आपको उठा के ऊपर का पार्ट ऊपर रहेगा, नीचे का पार्ट तेल में डालना है। चलिए हम सब गोलगप्पे को ऐसे बेल के रख लेते हैं। चलिए हमारा गोलगप्पा सब बिल गया है, मेरा सारा बिल गया है। इसको अब 10 मिनट के लिए हम छोड़ते हैं ड्राई होने के लिए। 10 मिनट बाद ही हम इसको तलना शुरू करेंगे। हमने पहले से तेल रख रखा है गरम होने के लिए। तेल मेरा अब गरम हो गया है, ये देखिए इतना गरम तेल चाहिए। और सबसे पहले हमने जो बेला था वही डालेंगे। जैसे हमने रखा है उल्टा नीचे का पीस नीचे रहेगा, ऊपर का ऊपर ड्राई वाला पीस, और एक एक डालते जाएंगे हम और तलते जाएंगे। देखिए फूल रहा है कितना अच्छा हमारा गोलगप्पा। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। ये देखिए उसके बाद डालने बाद गोलगप्पा हल्का सा कम कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा खिला खिला रहा है गोलगप्पे हमारे। ऐसे आप भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा। देखिए हमारे गोलगप्पे तल गए हैं, अब हम इसको निकालने जा रहे हैं। बहुत तेज आंच में नहीं बनाइएगा, डालते टाइम ही करिए जब अच्छा आज गर्म हो। और देखिए अब हम निकाल रहे हैं। मैं डालने जा रही हूँ। देखिए हमारे सारे गोलगप्पे तल चुके हैं, ये लास्ट के बचे हुए हैं, तल रहे हैं हम। देखिए अब गैस हम ऑफ कर देते हैं। इसके हिट में ही हो जाएगा ये।
मैं गोलगप्पे निकालने जा रही हूँ। मेरे गोलगप्पे सारे तैयार हो गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए हमारे गोलगप्पे कितने करारे बने हैं, कितने आवाज आ रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी देखिए क्या करारी है। ऐसी होनी चाहिए, देखिए बिल्कुल हमने ऐसे कर दिया। गोलगप्पे देखिए कितने अच्छे बने हैं, आप भी ऐसे बनाइए और ट्राई जरूर करिएगा। अगर हमारे गोलगप्पा बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।